बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। हमारे मन में अक्सर यह प्रश्न उठता है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, इन दोनों में क्या संबंध है। परमात्मा एक है, अनेक नहीं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि उसी एक ईश्वर के नाम है, अर्थात एक ही परमात्मा। शक्ति को विद्वान लोग अनेक नामों से पुकारते हैं। संसार में जीवधारी प्राणी अनंत है, इसलिए आत्माएं भी अनंत है। ज्ञान, प्रत्यय, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, ये छह गुण जिसमें है उसे आत्मा कहते हैं। ज्ञान और प्रयत्न आत्मा के स्वाभाविक गुण हैं, बाकी चार गुण इसमें शरीर के मैल से आते हैं। आत्मा की उपस्थिति के कारण ही यह शरीर प्रकाशित है, नहीं तो मुर्दा और अपवित्र है। यह संसार भी परमात्मा की विद्यमानता के कारण ही प्रकाशित है। आत्मा और परमात्मा दोनों ही अजन्मा व अनंत है। ये ना कभी पैदा होते हैं और ना कभी मरते हैं, ये सदा रहते हैं। इनका बनाने वाला कोई नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है। हर आत्मा एक सत्ता है। आत्मा अणु है, बेहद छोटी। परमात्मा आकाश की तरह सर्वव्यापक है। आत्मा का ज्ञान सीमित है, थोड़ा है। परमात्मा सर्वज्ञ है, वह सब कुछ जानता है। जो कुछ हो चुका है और हो रहा है, सब कुछ उसके ज्ञान में है। अंतर्यामी होने से वह सभी के मनों में क्या है यह भी जानता है। आत्मा की शक्ति सीमित है, थोड़ी है, परंतु परमात्मा सर्वशक्तिमान है। सृष्टि को बनाना, चलाना, प्रलय करना आदि अपने सभी काम करने में वह समर्थ है। पीर, पैगंबर, अवतार आदि नाम है। ईश्वर सभी काम अपने अंदर से करता है, क्योंकि उसके बाहर कुछ भी नहीं। ईश्वर जो भी करता है वह हाथ पैर आदि से नहीं करता, क्योंकि उसके यह अंग नहीं है। वह सब कुछ इच्छा मात्र से करता है। ईश्वर आनंद स्वरूप है, वह सदा एक रस आनंद में रहता है। वह किसी से राग द्वेष नहीं करता। वह काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से परे है। ईश्वर की उपासना करने से अर्थात उसके समीप जाने से आनंद प्राप्त होता है। जैसे सर्दी में आग के पास जाने से सुख मिलता है, ईश्वर निराकार है, उसे शुद्ध मन से जाना जा सकता है। जैसे हम सुख और दुख मन में अनुभव करते हैं, यह आत्मा जब मनुष्य शरीर में होती है तब वह कार्य करने में स्वतंत्र रहती है। उस समय किए कार्यों के अनुसार ही उसे परमात्मा सुख दुख तथा अगला जन्म देते हैं। उनमें विचार शक्ति नहीं होती, इसलिए उन योनियों में की गई क्रियाओं का उन्हें अच्छा या बुरा फल नहीं मिलता। वह केवल भोग योनियां हैं, जो पहले किए कर्मों का फल भोग रही है। मनुष्य योनि में कर्म और भोग दोनों का मिश्रण है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से कर्म भी करता है और कर्म फल भी भोगता है। मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। शरीर मेरा संसार में व्यवहार करने का साधन है। कर्ता और भोगता आत्मा है। सुख दुख आत्मा को होता है। आत्मा ना तो स्त्रीलिंग, ना पुल्लिंग और ना ही नपुंसक। यह जैसा शरीर पाता है वैसा कहा जाता है। उसे आनंद, उत्साह, निर्भयता महसूस होती है। वह परमात्मा की तरफ से होता है और जब कोई बुरा काम करने लगता है तब उसे भय, शंका, लज्जा महसूस होती, वह भी परमात्मा की कृपा से होती। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।